हेलो बच्चों, तो सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है अपना सैंपल पेपर ईयर 2023-24 के। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि सैंपल पेपर को किस तरीके से डाउनलोड करना है। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल के ऊपर, धीरज मल्होत्रा कॉमर्स क्लासेस। नए नए अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्द से जल्द चलते हैं हमारी सीबीएसई की साइट के ऊपर, और वहां पर मैं आप लोगों को ये बात बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपने सैंपल पेपर को डाउनलोड करना है। तो देखिए बच्चों, ये है सीबीएसई की वेबसाइट को जाने के लिए। सबसे पहले आप अपने गूगल पर टाइप करेंगे cbse.nic.org, ठीक है। जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे तो सबसे पहले वाला जो लिंक आएगा उसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस तरीके का लेआउट आपके सामने आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो इतने सारे ऑप्शन है, इसके अंदर सबसे पहले आप जाएंगे एकेडमिक वेबसाइट के अंदर, ठीक है। एकेडमिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपको ये जो इतने सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं, यहाँ पर जाकर सैंपल क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको 2023-24 का, जैसे कि आप देख सकते हैं 2023-24 के ऑप्शन के अंदर आपको ये सैंपल पेपर क्लास 10th के भी मिल जाएंगे और क्लास 12th के भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जाके, फॉर एग्जाम्पल, मैं क्लास 12th के सैंपल पेपर के लिए मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर जिस तरीके से आप ये सारा लेआउट खोला, यहाँ सारे सब्जेक्ट्स के, जो आप देख पा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स के यहाँ पर आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे और उनकी मार्किंग स्कीम्स भी मिल जाएंगी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अकाउंटेंसी का सैंपल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा। और इसके सॉल्यूशंस जो है वो एमएस मतलब होता है मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम के अंदर आपको सॉल्यूशन के इसके क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन दे रखे हैं और ये भी बता रखा है पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, उसकी पूरी डिटेल आपको बता रखी है यहाँ पर। तो उम्मीद है आप सभी बच्चों को बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये सारे सब्जेक्ट्स के दे रखे हैं, चाहे फिर वो किसी ने लैंग्वेज सब्जेक्ट ले रखा है या अपने मैथ्स के सब्जेक्ट है या फिर बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, सारे सारे क्वेश्चन पेपर आपको विद सॉल्यूशन आपको सारे साइट के ऊपर मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने अच्छी तरीके से इस बात को समझ लिया होगा कि किस तरीके से हमें सैंपल पेपर डाउनलोड करने हैं। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने अब तक अपने स्कूल्स में, अपने ट्यूशन पे, और या आप अपने यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं तो अपने यूट्यूब से काफी हद तक अपने सिलेबस को कम्प्लीट कर लिया होगा। और आने वाले समय में मैं आप लोगों को ये बहुत जल्द आप लोगों के लिए ये सैंपल पेपर्स के सोल्यूशन लेकर आऊंगा सामने। मेरे वीडियोस के साथ आप बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।